अंबाला शहर सेक्टर 10 में मात्र 9 मिनट में चोर लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। चोरी की ये घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। प्रभावित के अनुसार बीती रात परिवार के लोग बाजार गए थे और पीछे से चोर दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुआ और सोने पर हाथ साफ कर गया। सीसीटीवी की फुटेज में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे युवक दीवार फांद कर घर में दाखिल हुआ। देखिए कैसे जोर लगाकर दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहा है। युवक ने दरवाजा तोड़ने के लिए बार बार प्रयास किए और मात्र 9 मिनट में युवक लाखों की चोरी करके फरार हो गया। घर के मालिक का कहना है कि हम बाजार में शॉपिंग के लिए गए हुए थे और पीछे से एक युवक घर में दरवाजा तोड़कर दाखिल हुआ। इस दौरान चोरी लाखों रुपए का सोना चुराकर भाग गया। चोर ने अलमारी में रखे कैश को हाथ तक नहीं लगाया। चोर के घर में दाखिल होने पर उसकी पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई और रात को ही पुलिस को सूचित कर दिया गया था। यदि पुलिस चाहे तो चोर को पकड़ सकती है। मेरा नाम पवन कुमार गुलाटी है और 392 सेक्टर 10 में रहता हूँ मैं। कल हम लोग शाम को शॉपिंग के लिए गए हुए थे तो पीछे से कोई पिछला दरवाजा तोड़ के कोई चोर अंदर घुसा है और उसने हमारी अलमारियाँ वगैरह खोली हैं और दराजे वगैरह तोड़े हैं। जो हमारा कीमती सामान था, गोल्ड वगैरह, केवल और केवल उसने वही चुराया है। जो मेरी कैश पड़ी थी 10-15 हज़ार रुपये, उसने उसको हाथ भी नहीं लगाया और अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 22-23 तोले सोना जो था हमारा वो उठा के ले गया। पुलिस कंप्लेंट मैंने रात को 100 नंबर पर डायल किया था। 15 मिनट के अंदर एक्शन हो गया था। 15-20 मिनट के बाद पुलिस यहाँ हमारे पास पहुँच गई थी। उसके बाद SHO साहब भी आ गए थे। आज सुबह CI स्टाफ भी आई है हमारे पास, उन्होंने कुछ फुटेज वगैरह कलेक्ट की है। मेरे CCTV लगे हुए हैं और उस CCTV में बड़ा क्लियर है, उसकी पिक्चर बहुत क्लियर नज़र आ रही है। अगर प्रशासन चाहे, पुलिस चाहे, तो वो बहुत जल्द गिरफ्तार हो सकता है और हमें हमारे सामान की रिकवरी मिल सकती है। सेक्टर 10 में चोरी हुई है तो क्या शिकायत मिलने पर हमने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और सीन ऑफ क्राइम की फिंगरप्रिंट्स और जो भी इसके संबंधित जो वारदात को फेस करने के लिए हम हर चीज़ को अवेलेबल करके जल्दी से वारदात का ट्रेस किया जाएगा और असल अपराधी को काबू करके बाद देर रात बरामद करें।